हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बाजरा डायट खिचड़ी। ये हमने आधा कप 10 से 12 घंटे भिगोया हुआ बाजरा है। 2 से 3 बार इसे हम पानी से धो लेंगे और मिक्सी जार में डाल के सिर्फ पल्स करने तक हम इसे पीस लेंगे। बाउल में अब हम ले लेंगे तूर दाल, ये हमने 1 टेबलस्पून ली है, 2 टेबलस्पून चावल और मूंग दाल ले लेंगे, ये भी हमने 1 टेबलस्पून लिया है। इसे भी हम 2 से 3 बार पानी में अच्छे से धो लेंगे। आप बाजरे की खिचड़ी के साथ सिर्फ मूंग दाल भी ऐड कर सकते हो और दाल चावल भी ले सकते हो। दाल चावल ऐड करने से बाजरे की खिचड़ी में बाइंडिंग बहुत ही अच्छा आएगा। दाल चावल हमारे धो के रेडी है, अब हम इसे साइड में रख देंगे। और बाजरे को भी हमने दरदरा पीस लिया है, इसे हमें ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। अब हम ले लेंगे एक कुकर, इसमें हम डाल देंगे घी। बाजरे की खिचड़ी को हम घी से तड़का देंगे, घी हमारा गर्म हो जाएगा। आप चाहे तो तेल में भी इसे बना सकते हो। अब हम इसमें डाल देंगे जीरा और थोड़े सूखे मसाले, करी पत्ता डालेंगे और मसाले को हम घी में भून लेंगे। थोड़े हम इसमें ऐड करेंगे नारियल के टुकड़े, काजू और मूंगफली के दाने। थोड़े हम इसमें डाल देंगे किशमिश। हींग डालेंगे, काजू, किशमिश और मूंगफली को हम घी में अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगी। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर। मसाले को हम वापस घी में भून लेंगे ताकि अच्छे से भून जाए। फ्रेंड्स, आप अगर मेरा वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने करीबन 4 कप ऐड किया है। बाजरा ठंड के मौसम में खाने के लिए हमारे सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दरदरा पीसा हुआ बाजरा और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। दाल और चावल भी ऐड करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक और थोड़ा गरम मसाला। चम्मच से हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बाजरे को पकने में टाइम लगता है, इसलिए हमें कुकर में 10 से 12 सीटी लेनी है। कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 10 से 12 सीटी हम इसमें ले लेंगे। कुकर हमारा हो गया है, ढक्कन को हटा देंगे और खिचड़ी को हम चेक कर लेंगे। अच्छे से खिचड़ी हमारी बन गई है। बाजरे की खिचड़ी के साथ आप दही या कढ़ी भी सर्व कर सकते हो और कुछ नहीं तो ऐसे ही गर्मा गर्म कढ़ी पर आप घी डाल के इसे खा सकते हो, काफ़ी टेस्टी लगती है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में ले लेंगे
तो रेडी है फ्रेंड्स हमारी बाजरे की डायट खिचड़ी।